नमस्कार आपुनाक स्वागतम आपुनी चाइसे प्राइम टाइम 18 मैं जयंत माधव गोस्वामी बृहस्पतिवारे गोरुखुटी ढलपुर चलवा उच्छेद समय हुआ विक्षिप्त घटना पीएफआईर डिजाइन अभिहित करिसे बीजेपी नेता दिलीप शइकिया शनिवार मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मायो ढलपुर कांड पीएफआई जड़ित थकार सन्देह प्रकाश करिले और एक सन्देह प्रकाश करिले बीजेपी नेता मोमिनुल आवले So various evidence are now emerging. Hosa koye Dholpur kando PFI design neki. Ki kori bolay PFI koi sil ghotona story loi. Ki to thalap kori se mukhyamantriye. PFI visited the site. So various evidence are now emerging, implicating certain people. बरखुण देखी पाकिस्तान छाति मिलिसे क्य आंतरराष्ट्रीय शक्ति उचतनीत चलिल ने कि आक्रमण आंतरराष्ट्रीय पर्यात विशेषक पाकिस्तान निचिना एन देश जेतिया यार प्रतिक्रिया हुई तार कथा स्पष्ट जे यात निश्चित भावे मौलवादी जड़ित पीएफआई दरे संगठनो हयतो जड़ित थाकिब पारे ढलपुर कांडक लई बीजेपीए काठगड़ा ठिय कराइछे पपुलार फ्रंट अफ इंडिया चमुकै पीएफआई बारम्बार ढलपुर कांडर सहित हांगुरीछे पीएफआईर नाम बीजेपी राष्ट्रीय सम्पादक दिलीप शइकिया ढलपुर संघटित घटना शुक्रबारे पीएफआईर डिजाइन बुली कोवार पिछत शनिवार मुख्यमंत्री मुखत शुना गल पीएफआईर नाम आनकि मुख्यमंत्री विस्फोरण घटाई कले उच्छेद बंध करार प्रतिश्रुति बेदखलकारीर पोरा पीएफआईए संग्रह करिसिल 28 लाख टका पीएफआईक निषिद्ध करार प्रयोजनीयतार कथा कले मुख्यमंत्री हिमন্ত বিশ্ব শর্মাই They mobilized those people and created the havoc on that particular day. We have name of 6 people with clear intelligence that 28 lakhs was created. So various evidence are now emerging, implicating certain people. The PFI state president was arrested for 3 months. So government of Assam has already sent dossier to government of India seeking total ban on PFI. यार पूर्वे पीएफआईर नाम भांग उठाई कांडोलन समय अभियान चलिल पीएफआईर हाथीगांवस्थित कार्यालय यार पुनः सीपाचार ढलपुर हुआ घटनक पीएफआईर नाम लैसे बीजेपी इजनर पिछर सीजने विषयटक अधिक रहस्यमय तुलिसे पाकिस्तान हस्तक्षेपे बीजेपी नेता মমিনুল আৱালে कले ढलपुर कांड पीएफआई मौलवादी संगठन उचतनी এইদৰে হাতত দা জাতি জুঙ লৈ হাতিঘৰ মানুহৰ ঠাইত 10,000 মানুহ কি উদ্দেশ্যৰে একত্ৰিত হৈছিল নিশ্চিতভাৱে মৌলবাদী জড়িত হৈ আছে পিএফআইৰ দৰে সংগঠন হয়তো জড়িত হৈ থাকিব পাৰে ইফালে ঢলপুৰৰ ঘটনাত পিএফআইৰ হাত থকাৰ অভিযোগ উঠাৰ পিছত এই অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে পিএফআই মুছলিম লোগোঁ কা এক এলেকা হে वहाँ पर टारगेट किया है थर्ड पार्टी था और जो लोग हैपेंड इनके था तो हो सकता है वो बीजेपी का लोग होगा या तो आरएसएस का लोग होगा हो सकता है वो लोग जाके उधर जो जनरल पब्लिक है उसका साथ मिल के पुलिस का ऊपर पत्थर फेंका है ऐसा भी हो सकता है शनिवार संबद मेल पाती सरकार समालोचना पीएफआई सामने बाई इलेक्शन है बाई इलेक्शन में उनको जीतना है जैसे भी हो तो ये जीतने के लिए वहाँ पर ये लोग सक्सेस होने के लिए एक कम्युनल फीलिंग्स एक मतलब धर्मीय जो मेरीकरण बोलते हैं वो करना उसका एक टारगेट है राजूपुर रिपोर्ट न्यूज 18 नॉर्थ ईस्ट